अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स A1 लेवल का लेसन नंबर 35 है और लेसन नंबर 35 के अंदर हमारा टॉपिक है डार्टिव वर्ब्स का। हमने जब डार्टिव को स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी लेसन, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर डार्टिव वर्ब हम सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो हमें डार्टिव में लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ऑब्जेक्ट के तौर पे एक पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम डार्टिव का पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, अगर हमें पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करना है तो हम डार्टिव का पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, अगर कोई आर्टिकल हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम डेफिनेट या इनडेफिनेट वो डार्टिव का आर्टिकल यूज़ करेंगे। वैसे तो डार्टिव वर्ब्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन A1 के अंदर जो डार्टिव वर्ब्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे 10 वर्ब्स सेलेक्ट किए हैं और इन 10 वर्ब्स का मतलब भी हम देखेंगे और इनको जुमलों के अंदर इस्तेमाल करके देखेंगे कि जब इसको हमने सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है वर्ब को तो कैसे करेंगे। अब उसके लिए सबसे पहला वर्ब है आंटवोर्टन। आंटवोर्टन, आंटवोर्टन का मतलब है जवाब देना, टू आंसर। तो वन बाय वन इन डार्टिव वर्ब्स को जुमलों के अंदर इस्तेमाल करके देखते हैं। सबसे पहले आंटवोर्टन, जवाब देना या टू आंसर। Er antwortet mir morgen, वो मुझे कल जवाब देगा। अब इसके अंदर er जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, ये पहली पोजीशन के ऊपर है और उसके बाद हमें पता है कि जर्मन लैंग्वेज के नॉर्मल सेंटेंस के अंदर वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे होता है और वर्ब कॉन्जुगेट होता है सब्जेक्ट के लिहाज से। तो antwortet को जब हम er के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा antwortet। अब इसके अंदर आएगा ऑब्जेक्ट, एर आंट वोल्टेड मियर, अब मुझे जवाब देगा। तो मियर मुझे का जो अकुजाटिव के अंदर पर्सनल प्रोनाउन है वो है मिश और डार्टिव के अंदर है मियर, तो हम डार्टिव वाला पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने जो वर्ब यूज किया है वो डार्टिव है। एर आंट वोल्टेड मियर मॉर्गन, वो मुझे कल जवाब देगा। दूसरा वर्ब है हमारे पास डांकन। डांकन का मतलब है शुक्रिया अदा करना, टू या टू थैंक। इश डांके ईयर फ्योर ईरे उंटर स्टुटसुंग। इश डांके ईयर फ्योर ईरे उंटर स्टुटसुंग, मैं उस लड़की का शुक्रिया अदा करता हूं उसकी असिस्टेंस के लिए, जो उसने मुझे असिस्टेंस प्रोवाइड की है उसके लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इस सेंटेंस में भी पहली पोजीशन के ऊपर है इश, मैं, दूसरी पोजीशन पे वर्ब को हम कॉन्जुगेट करेंगे सब्जेक्ट के लिहाज से तो डांकन बन जाएगा डांके। इश डांके ईयर उस लड़की के लिए, तो उस लड़की के लिए हमारे पास अकुजाटिव में है जी पर्सनल प्रोनाउन और डार्टिव के अंदर है ईयर, तो यहाँ पे हम डार्टिव वाला पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे ईयर। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट एक्सटेंशन है इसी सेंटेंस की, फ्योर ईरे उंटर स्टुटसुंग, उसकी असिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पे जो हमने प्रेपोजिशन यूज की है वो है अकुजाटिव प्रेपोजिशन, इसलिए जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा उसके ऊपर हम अकुजाटिव के रूल अप्लाई करेंगे। उसका मतलब ये है कि जो भी इस उंटर स्टुटसुंग का आर्टिकल होगा या जेंडर होगा उसके हिसाब से हम उसकी, जो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है उसकी एंडिंग करेंगे। तो उंटरस्टुटसुंग जो है वो एक फेमिनिन नाउन है, इसलिए इसके लिए जो हम पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो ईगे उंटरस्टुटसुंग यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ब है हेल्फन। हेल्फन का मतलब है मदद करना या टू हेल्प। एग्जाम्पल है इश हेल्फे ईम, मैं उस लड़के की मदद करता हूँ। अब यहाँ पे इश जो है वो सब्जेक्ट है, दूसरी पोजीशन पे हमारे पास हमेशा वर्ब आएगा, वर्ब हेल्फन को जब हम इश के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो हेल्फे बन जाएगा और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है हिम, तो अकुजाटिव के लिए हिम जो है वो ईन होता है और डार्टिव के अंदर जो हिम है वो ईम होगा, तो आई हेल्प हिम इश हेल्फे ईम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है वुंशन। वुंशन का मतलब है टू विश। एग्जाम्पल देखते हैं,
वुंशन मियर फील एरफोल्ग, वो लोग मुझे कामयाबी विश करते हैं। जी सबसे पहली पोजीशन के ऊपर और उसके बाद वुंशन, वुंशन जो वर्ब है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी जो कॉन्जुगेशन जी उन लोगों के लिए है वो वुंशन ही है। तो वो किसे कामयाबी विश करते हैं, वो मुझे कामयाबी विश करते हैं। अब मैं जो हूँ वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और क्योंकि हमने यहाँ पे डाटिव वर्ब यूज किया है इसलिए मुझे के लिए जो डाटिव के अंदर पर्सनल प्रोनाउन होगा वो होगा मियर। यहाँ पे हमने देखा कि अकुजाटिव में मिश और डाटिव के अंदर मियर, तो वो लोग मुझे कामयाबी विश करते हैं। उसके बाद है ग्लाउबन, ग्लाउबन का मतलब है टू बिलीव या यकीन करना। जी ग्लाउब्ड ओएश निश्त, वो तुम लोगों पर यकीन नहीं करती। अब यहां पे भी जी है, यहां पे भी जी है, यहां पे हमने जब वर्ब को कॉन्जुगेट किया तो एज इट इज लिखा, इससे हमें पता चला कि ये जो जी है इससे मुराद वो लोग हैं, लेकिन यहां पे जी जो है वो जब हमने यूज किया और उसके बाद हमने अगर ग्लाउबन की जो कॉन्जुगेशन ग्लाउब्ड यूज की बजाय ग्लाउबन के तो ये हो जाएगा शी। तो यहाँ पे जी से मुराद शी है और यहाँ से पे जी से मुराद वो लोग हैं। तो वो लड़की तुम लोगों पर यकीन नहीं करती। तो अकुजाटिव और डाटिव में दोनों में जो ऑब्जेक्ट है तुम लोगों के लिए वो है ओएश, ईयर ओएश ओएश। तो यहाँ पे हमने डाटिव का जो पर्सनल प्रोनाउन है वो यूज किया है क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब हम यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर वो डाटिव है। फिर है पासीगन, पासीगन का मतलब है टू हैपन या टू अकर। दस इस्ट उन्स नी पासीर्ड, अब ये जो है ये एक परफेक्ट सेंटेंस है और परफेक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये वाले वर्ब को कॉन्जुगेट किया था और हमने देखा था कि इस वर्ब, ये वर्ब जो है ये उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसमें जब हम परफेक्ट यूज कर रहे हो तो सेकंड पोजीशन पे हम जाइन वर्ब यूज करते हैं और यहाँ पे हमने जाइन वर्ब को कॉन्जुगेट किया है तो ये यहाँ पे इस्ट, दस इस्ट ये हमारे साथ कभी रूनमा नहीं हुआ या ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। तो दस इस्ट उन्स नी का मतलब है कभी भी ना होना या कभी नहीं। दस इस्ट उन्स नी पासीर्ड, ये हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फिर है हमारे पास गेहोगन वर्ब, गेहोगन का मतलब है बिलोंग करना। दस बुख गेहोर्ट डेम लेगर, ये किताब उस्ताद को बिलोंग करती है या ये किताब जो है वो उस्ताद की है। अब इसके अंदर भी दस बुख जो है वो सब्जेक्ट है, गेहोगन वर्ब को जब हम दस दस बुख के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिहाज से तो गेहोगन जो है वो गेहोट बन जाएगा और उसके बाद हम एक नाउन यूज कर रहे हैं मास्क्यूलिन लेगर और क्योंकि ये वर्ब जो है वो डाटिव है इसलिए इस नाउन का जो डेफिनेट आर्टिकल होगा वो भी हम डाटिव का यूज करेंगे। तो जब हमने डाटिव का पहला इंट्रोडक्टरी लेसन किया था उसमें हमने डाटिव के जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल थे वो भी देखे थे तो यहाँ पे हम वही मास्कुलिन नाउन के लिए डाटिव का आर्टिकल यूज कर रहे हैं क्योंकि जो वर्ब हमने यूज किया है वो डाटिव है। फिर है हमारे पास गिफालन जिसका मतलब है पसंद आना। गिफेल्ट ओएश माइन नोएस आउटो, ये एक क्वेश्चन है, जब हमने क्वेश्चन किए थे तो उसके अंदर ये भी देखा था कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। अब उसके अंदर अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस हो क्वेश्चन ना हो तो होगा ओएश गिफेल्ट माइन नोएस आउटो, तुम लोगों को मेरी गाड़ी पसंद आई है। अब यहां मैं पूछ रहा हूं गिफेल्ट ओएश माइन नोएस आउटो, क्या तुम लोगों को मेरी नई गाड़ी पसंद आई है। तो इसमें तुम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट है और क्योंकि गिफालन जो है वो एक डाटिव वर्ब है इसलिए हम यहाँ पे दोबारा जो पर्सनल प्रोनाउन है तुम लोगों का डाटिव में वो वाला यूज करेंगे गिफेल्ट ओएश माइन नोएस आउटो। फिर हमारे पास है एम्फेलन, एम्फेलन का मतलब है रिकमेंड करना या किसी को तजवीज देना मशवरा देना।
इश एम्फेले डियर दस रेस्टोरेंट, मैं तुम्हें ये रेस्टोरेंट रिकमेंड करता हूँ। इश एम्फेले मैं रिकमेंड करता हूँ। अब एम्फेलन को जब हम इश के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे तो ये एम्फेले बन जाएगा, और फिर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट है डियर तुम्हें। तो डाटिव के अंदर जो इसका पर्सनल प्रोनाउन है वो है डियर, अकुजाटिव में है डिश, तो यहाँ पे हमने डाटिव वाला यूज किया है क्योंकि एम्फेलन वर्ब जो है वो हमारे पास डाटिव है। उसके बाद श्मेकन, जिसका मतलब है टू टेस्ट, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दस फ्लाइश श्मेक डेन किंडर निश्त, दस फ्लाइश श्मेक डेन किंडर निश्त, गोश्त बच्चों को पसंद नहीं है, या गोश्त बच्चों को जायका नहीं करता, इसका अगर आप वर्ड बाय वर्ड जो मीनिंग लें तो। लेकिन इसका मतलब ये है कि बच्चों को गोश्त का जायका पसंद नहीं है। अब इसके अंदर भी दस फ्लाइश गोश्त श्मेक्ट, श्मेकन को जब हमने दस फ्लाइश के हिसाब से कॉन्जुगेट किया तो श्मेक बन गया, और किन को पसंद नहीं है, बच्चों को, तो बच्चों को हम जो है वो डाटिव के अंदर यूज करेंगे। अब जब हमने डाटिव का इंट्रोडक्टरी लेसन किया था तो उसमें देखा था कि जो भी हमारे पास प्लूरल नाउन होगा, अगर उसके एंड के ऊपर ऑलरेडी एक एन नहीं है तो हम एक एन ऐड करेंगे। तो किंडर बेसिकली प्लूरल नाउन है किंड का, जिसका मतलब है बच्चा सिंगुलर, और किंडर प्लूरल बच्चे। लेकिन यहाँ पे हमने किंडर एन भी एंड में यूज की है क्योंकि डाटिव के अंदर जब हम प्लूरल नाउन यूज करें और नाउन के एंड के ऊपर अगर ऑलरेडी एन नहीं है तो हमें एक एन ऐड करना पड़ता है, और प्लूरल नाउन का जो डेफिनेट आर्टिकल है वो डेन होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डेन यूज किया है। तो आई होप कि इससे आपको डाटिव वर्ब्स के बारे में एक ओवरव्यू आई होगी, क्योंकि यहाँ पे डाटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने हमेशा डाटिव में लेना है। ये डाटिव वर्ब्स की एक करेक्टरिस्टिक है, या ये एक खसूसियत है। अब डाटिव खाली ये वर्ब नहीं है, आप किसी और रिसोर्स पे देखेंगे तो आपको शायद और 100 के करीब लिस्ट मिल जाए डाटिव वर्ब्स की। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और डाटिव वर्ब्स को भी ऐड कर दूंगा ताकि आपकी वोकेबलरी थोड़ी बढ़ जाए, और फिर आप उन वर्ब्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके देख सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर डाटिव को ही कंटिन्यू रखेंगे और किसी और एस्पेक्ट से देखेंगे कि डाटिव क्या है। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।